तो अब हम यहाँ कंपाउंड से निकलते हैं, एक राइड पे चलते हैं छोटी सी, क्या बोलते? श्योर श्योर, चलो राइड पे चलते हैं। चलो यार, मास्क पहन ले क्योंकि प्रोटेक्शन पहननी चाहिए। हाई गाइज, वेलकम टू कागट। आई होप आप सब अपने घर पे हो, सेफ हो। आई एम ऑल्सो डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो जैसे कि मैंने एक अपनी मर्सिडीज E250 की वीडियो में बोला था कि हम कार्स का ओनरशिप रिव्यू करेंगे, तो आज फॉर द फर्स्ट टाइम कारगेट पे हम लेके आ रहे हैं एक गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू विद अ फ्रेंड ऑफ माइन। उसका नाम रचित है एंड वो अपनी गाड़ी वोक्सवैगन पोलो का ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं हमारे साथ। तो चलते हैं, एक बार उनसे मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, गाड़ी का एक्सपीरियंस जानते हैं कैसा है क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो यूट्यूब, चलो। तो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी के अंदर, तो शुरू करते हैं इसका थोड़ा बहुत रिव्यू जानने से। तो आपने कार ली कब ये वाली? वैसे 2016 में। और भी काफी सारे ऑप्शंस थे हैचबैक में, तो फिर पोलो में जाने का क्या आपका रीजन था? गुड क्वेश्चन यार। देख, मेन तो यही है कि अगर बाहर जाके ऐसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी गाड़ी खरीदनी है तो ले लो i20, i10, स्विफ्ट। बट इफ यू वांट समथिंग जो सड़क पे ना दिखे तो फोक्सवैगन। मतलब पोलो ऑल्सो थोड़ा स्पोर्टी गाड़ी भी है, मेरे को हमेशा से रैली में भी इंटरेस्ट है। सो पोलो WRC गाड़ी भी है, वर्ल्ड रैली चैम्पियनशिप। तो फॉर अ गुड ड्राइविंग एक्सपीरियंस, डिफरेंट लुक एंड ऑल टुगेदर कंप्लीट जो पैकेज आता है, तो इसलिए। ये वैसे वेरिएंट कौन सा है? जैसे पोलो के, आई गेस वोक्सवैगन पोलो के तीन वेरिएंट्स आते हैं ना? राइट ये ट्रेंड लाइन है। ओके, ट्रेंड लाइन इज सेकंड टू टॉप। तो इसका ऑन रोड प्राइस आपको कितना पड़ा जब 2016 में ली थी? यार देख, मैंने इसके साथ मतलब ये जो पूरा एंटरटेनमेंट सिस्टम था, ये विद ऑल ऑफ द स्पीकर्स एंड एडिशनली मैंने जो कैमरा है, रिवर्स कैमरा, ये वो भी कंपनी से लगवाया था। सो विद ऑल ऑफ दीज एक्सेसरीज मुझे अराउंड 6.5 की पड़ी थी। ओके, एवरीथिंग कनेक्ट टुगेदर। तो ये जो एंटरटेनमेंट सिस्टम है, मैं एक बार ऑडियंस को भी दिखा देता हूँ। फुली एंड्रॉइड है, पूरा एंड्रॉइड आप चलते हैं। ये लगा नहीं हुआ था, मतलब आपने खुद लगवाया है? मतलब ये शोरूम ने लगा के दिया, इट्स एन आफ्टर मार्केट पार्ट। सो जो स्टॉक आता है इसके साथ, वो मतलब टच डिस्प्ले वगैरह तो नहीं आता है। अब आई डोंट नो नाउ इफ दे आर गिविंग अ नॉट, उस टाइम पे नहीं था, तो मैंने ये अलग से लगवाया था बट फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। बाकी लोग मैंने देखा है ज्यादातर ह्यूंडई और इसके लिए चले जाते हैं, वोक्सवैगन के लिए बहुत कम जाते हैं। शायद एक नोशन है दिमाग में कि सर्विस कॉस्ट जो है इसकी वो काफी एक्सपेंसिव है, तो उसके बारे में क्या आपका कहना है? यार ये तो मैं बोलूंगा तो इंडियंस की बनती है। ये कट करना पड़ेगा, सॉरी। तो ये नोशन है सबके माइंड में कि वोक्सवैगन है तो इसकी सर्विस कॉस्ट काफी एक्सपेंसिव होगी, तो आपका एक्सपीरियंस सर्विस को लेके कैसा है अभी तक? यार देख, नोशन तो ये भी है, बीटेक करने से नौकरी लगती है। नोशन सारे सही नहीं होते ना, ऑल्सो मेंटेन क्या कराओगे, वो चीज ना जो खराब होगी, ऐसे फ्री में तो नहीं लेके जाओगे। सो मतलब जो फोक्सवैगन है तो इसलिए ना खराब तो कम होती है, मतलब टचवुड, पेड़ थोड़ा दूर है बट आई एम अज्यूमिंग टचवुड, तो खराब कम होती है। अदरवाइज मतलब डेल्टा देखेगा तो 2-3,000 का होगा। मतलब मेरी 40,000 चली है गाड़ी, आफ्टर एवरी 10,000 किलोमीटर्स जब मैं कराता था तो इट्स अ स्टैंडर्ड 10,000 रुपीज का सर्विस। एंड फोक्सवैगन कस्टमर एक्सपीरियंस इज ऑब्वियसली डिफरेंट, घर से आके लेके जाते हैं, छोड़ के जाते हैं, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड। सो इफ यू काइंड ऑफ वो वाली चीजें रखते हो, ऑल्सो सिंस गाड़ी कम होती है ना, सर्विस सेंटर में लाइन भी छोटी होती है, लाइन के होती नहीं है, राइट? तो टर्न अराउंड टाइम पे मतलब मैं सुबह गाड़ी देता हूँ, आई गेट इट बाय 4 PM इन द इवनिंग, सो दैट टर्न अराउंड टाइम इज ऑल्सो गुड। सो आई डोंट माइंड पेइंग दोस एक्स्ट्रा 2-3,000 इन सब चीज़ों के लिए। सो ये तो है ही कि सर्विस कॉस्ट माइट भी है बट मेरे को ऐसा नहीं लगता है। सबके मतलब ह्यूंडई से कंपैरिजन करूँ होंडा से तो 2-3,000 ही ज़्यादा होगा। ओके, एंड ब्रेकडाउन्स कम होते हैं, मतलब होते ही नहीं है नेक्स्ट टू, तो फिर क्या ही बोलूँ। बट सर्विस सेंटर्स की अवेलेबिलिटी है, जैसे हम सिटी में रह रहे हैं, हम एक्चुअली वीडियो दिल्ली में शूट कर रहे हैं, तो हम सिटी में रह रहे हैं, दिल्ली में तो इसकी अवेलेबिलिटी है, बट जो गांव या किसी टाउन में ऐसे रह रहे हैं जहाँ पे सर्विस सेंटर्स नहीं है, तो वहाँ पे तो नहीं रेकमेंड करेंगे आप लेने के? हाँ यार ये तो है, लाइक मतलब इफ यू लुक एट मारुति और हुंडई कस्टमर सर्विस, तो हिमाचल भी चले जाओ, उत्तराखंड या इवन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल एंड ऑल, तो वहाँ पे मारुति और उसके सर्विस सेंटर्स मिल जाएंगे।
बट फोक्सवैगन मेनली मेट्रोज में ही मिलेंगे आपको. एंड ऑल्सो हर मैकेनिक के पास सारे पार्ट्स नहीं होते इन गाड़ियों के. ऑब्वियसली दे हैव दी फ्यूज एंड रिले विले तो सब भी रखता है, बट मेन जो पार्ट्स होते हैं वो थोड़ा नहीं रहता है. बट कभी पार्ट्स की अवेलेबिलिटी को लेके कुछ इशू आया है अभी तक? जब मेरी गाड़ी तो सर्विस सेंटर जाती है वहाँ पे तो सब होता ही है, तो कोई इशू नहीं हुआ आज तक मेरे को, कभी नहीं पड़ा. तो जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको सब कुछ इंक्लूड करके गाड़ी 6.5 की पड़ी, तो देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी इसको आप बोलोगे कि है या नहीं है? डेफिनेटली डेफिनेटली आई थिंक ऑल ऑफ द शुड गो फॉर इट. भाई ये भी बीप करना है. Definitely value for money है. And मतलब मैंने आज सच गाड़ी में कोई major breakdown भी face नहीं किया. तो value for money की अगर हम बात कर ही रहे तो mileage वगैरह कितनी मिल जाती है आपको इसमें? Honestly देख, मैं जैसे drive करता हूँ, मैं इतना अच्छा driver नहीं हूँ, ठीक है. मतलब footpath से लेके scooty तक मैंने सब ठोका है. तो मैं गाड़ी तेज भी चलाता हूँ, वो क्रैक जो दिख रहा है वो उसका लाइक प्रूफ है. रेस भी मैं तेज ही देता हूँ. सो मेरी जैसी गियर शिफ्टिंग, क्लच एंड इसके रेव सुनने के लिए जो एक्स्ट्रा आरपीएम्स खींचते हैं, उसके बाद भी सिटी में आई गेट अराउंड 11-12 इजीली. पेट्रोल है मेरा वेरिएंट बाय द वे, इफ वी हैवंट डिस्कस्ड इट. तो पेट्रोल में मुझे 11-12 मिल जाता है सिटी में. एंड हाईवेज पे भी गई है एंड 120, 130, 140 पे भी, मतलब सारे शीशे आपके बंद है, एसी चल रहा है अंदर, तो ज्यादा माइलेज आती है. तो मेरी 16 भी देती थी हाईवे पे. तो काफी सही है. तो मतलब हाईएस्ट जो जैसे आपने बता दिया, हाईएस्ट स्पीड तो आप इसकी शायद 140 तक लेके गए हो. लॉन्गेस्ट ड्राइव कितनी की? दिल्ली पुलिस ने देखती ना वीडियो. तो लॉन्गेस्ट इसको कितना लेके गए हो? यार लॉन्गेस्ट मैं इसको लेके गया हूँ आई थिंक 400 किलोमीटर होगा वन साइड. तो हाँ 400 वन साइड, मसूरी से थोड़ा आगे तक गया हूँ. तो 400 किलोमीटर वन साइड. ठीक है. तो उस टाइम पे कोई इशू आज सच फील नहीं? नहीं, पहाड़ों पे तो कोई इशू नहीं. एंड इनफैक्ट चार दोस्तों के साथ ही गया था, सामान भी था सबका, मतलब फुली बूट स्पेस था इसका ही भर के बूट स्पेस, तो उसमें फुली लोडेड थी गाड़ी. एंड इवन स्टीप क्लाइंब भी करिए तो फर्स्ट सेकंड गियर में फिर ड्राइविंग कोई इशू नहीं आएगा कभी भी, खिंचाव महसूस नहीं होगा. ये तो मैंने भी सुना है कि खींचती बहुत अच्छी है गाड़ी, और इसका इंजन भी शायद 1.2 लीटर. हाँ 1200 भाई बहुत सही है. ग्राउंड क्लियरेंस की अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा कम लगता है मुझे एज कम्पेयर टू Y20. तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम हुई है अभी तक? अब एक कमी आ तो देखने वाले की नज़रों में होती है. मतलब लविंग अ कार इज ऑल अबाउट एक्सेप्टिंग द इम्परफेक्शंस. तो मेरे को पर्सनली नीचे लो हाइट में क्या होता है, गाड़ी जब तेज चल रही होती है तो बिकॉज ऑफ द एरोडायनामिक जो शेप है इसकी एंड लो हाइट है, टायर का भी अगर विड्थ देखोगे तो इट इज मोर हैचबैक्स के जितनी होती है. सो वो स्टेबल रहती है. बट हाँ ये है कि दिल्ली में तो खैर नहीं, बट गुड़गांव जाओ या इधर उधर तो गाड़ी दो तीन बारी तो लगेगी स्पीड ब्रेकर में. अगर मित्रा चला रहे हो, उछाल रहे हो अगर स्पीड ब्रेकर से गड्ढा में, अच्छा. तो लगेगी. बट हाँ वही है कि मतलब मैं तो इसे प्रो ही बोलूँगा कि इस सब के बाद भी गाड़ी बहुत ही बची हुई है. 5-6 साल में मेरे को मतलब स्क्रैच और डेंट निकलवाया मैंने, वो भी ड्राई डेंटिंग वाले. बट मैंने एज सच कुछ चेंज नहीं हुआ है, बम्पर वम्पर है इतनी मेजर टक, कभी कुछ ऐसा नहीं है कि मेरी टक्कर के वजह से कोई पार्ट निकल के आ गया गाड़ी का. सो तो एयरबैग्स हैं इस वाली वेरिएंट में? डर के रहे आगे पीछे दोनों है. अच्छा. लेफ्ट राइट दोनों में दिए हैं. नहीं अभी हमारे को ड्राइव के लिए भी जाना है इसलिए थोड़ा पूछ. सीट बेल्ट भी है, एयरबैग्स भी है. ओके. स्पेस का हम कुछ बात करें तो मेरे को आगे तो फ्रंट में मेरे पास लेग स्पेस बहुत है, हेड रूम भी मेरे पास टर्बन डालने के बाद भी इतना बच रहा है. आपको मतलब कैसा लगता है जो पीछे कभी बैठे हो इस गाड़ी में? हाँ पीछे बैठा हूँ जब कोई दोस्त बोलता है कि मुझे गाड़ी चलानी है तेरी. बट देखो ऑनेस्टली बताओ, आगे लेग स्पेस अच्छा है, पीछे आई वुड से कि दो मोटे तीन पतले बैठ सकते हैं एंड लेग स्पेस थोड़ा कम है ऑनेस्टली. सो आई पर्सनली फील कि पीछे इन्हें थोड़ा सा जगह देना चाहिए था. बट यह है कि मेरी फैमिली में 3 लोग एक डॉगी है तो हम सही चिलिंग कर लेते हैं. एंड आई थिंक जो कॉम्प्रोमाइज़ किया है उन्होंने पीछे के लेग स्पेस का, वो टू इंक्रीज द बूट स्पेस है क्योंकि बूट काफी डीप है, तो जिसकी वजह से बैक सीट्स हैव बीन शिफ्टेड अहेड. बाकी आगे भी अभी हम बात कर रहे थे गाड़ी के बाहर खड़े होकर, तो उन्होंने बताया कि वोक्सवैगन जो होता है अपना जो इंजन होता है उसके पास भी काफी ज्यादा जगह बची हुई है, कुछ रिमेनिंग जगह है हमारे पास जिसकी वजह से इम्पैक्ट बहुत कम आता है, तो उसके बारे में कुछ? हाँ मतलब अभी मैं शायद खोल के भी दिखा सकता हूँ आपको. तो जैसा मैंने बोला था कि मैंने काफी गंदी गाड़ी चलाई है, ठोकी भी है ठुका भी हूँ, बट उसके बाद भी जो मतलब दूसरी गाड़ी का अच्छा खासा डैमेज हो जाता है, बट इसका बम्पर स्क्रैच या हल्का सा बेंट ही होता है.
उसका रीजन क्या है, आप देखोगे जो इंजन है, इवन दो बूट जो लेंथ है गाड़ी की काफी ज्यादा है, बट इंजन जो स्पेस है वो काफी छोटू है, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज रीइंफोर्स्ड कंप्लीटली। तो जैसे कि हमने देखा आजकल सारे लोग जो है वो कॉम्पैक्ट एसयूवी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं रादर देन हैचबैक्स, तो आपके माइंड में कभी नहीं आया कि मेरे को कॉम्पैक्ट एसयूवी के लिए जाना चाहिए कुछ ऐसा? यार देख, लेने वाले तो वैगन आर भी लेते हैं, मतलब शौक है, शौक बड़ी चीज है, तो मेरे को शौक नहीं है एसयूवी का, तो नहीं लिया। मेरे को यूजुअली थोड़ा लो हाइट एंड इस टाइप की कार्स ही पसंद है, लो प्रोफाइल, तो सेडान या हैचबैक्स। सेडान थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ रही थी इसलिए ये। ओके ठीक है, मतलब जैसे दिख रहा है हमारे को वैल्यू फॉर मनी है पूरी। तो प्रोज की बात तो हमने कर ली, जैसे गाड़ी बहुत रिलायबल है, काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल रोड पे चिपक के भागती है और खींचती है बिल्कुल, जिसको भगाने का शौक है, फन टू ड्राइव कार है। लेकिन इसके कुछ कॉन्स भी तो होंगे, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे जो शायद आपको लगता हो, कुछ खटकता हो माइंड में कि ये होना चाहिए था, ये क्यों नहीं है। बुराइयां किस्म नहीं होती तो नथिंग इज परफेक्ट। कॉन्स, हाँ सबसे पहले मैं थोड़ा टेक सेवी बंदा हूँ, सो इफ यू आर ऑल्सो टेक सेवी तो इशू इसमें, मतलब मेरे को ये लगता है स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स होने चाहिए। मैं एक बार दिखा देता हूँ व्यूअर्स को भी। सो स्टेयरिंग पे कुछ भी नहीं है, मतलब अदर देन ऑफ कोर्स द हॉर्न, OVRM controls होना चाहिए। Also आप देखो तो साइड व्यू मिरर्स also have to be adjusted analog तरीके से ही अभी भी, both sides. You अब नई गाड़ियों में यहाँ पे controls होता है, तो I just have the power window controls. तो मुझे ये सब थोड़े techy features जो I feel Hyundai देता है अपनी गाड़ियों में हर रेंज में, तो इस टाइप से लगता है थोड़े electronically गाड़ी में और चीज़ें लगनी चाहिए ना। I don't know if they are giving it now, 2016 का क्या scenario था, बट ये चीज़ें मिस करता हूँ। और जो पीछे भी थोड़ा जगह बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा लेग स्पेस जेन्युइनली कम है पीछे, पीछे बैठना है लोगों के लिए। तो बाकी हाँ, मतलब डिपेंड्स, अगर आपकी कोई मोटी सी बुआ या मौसी एयरपोर्ट से पिक करना है तो आगे बिठा के ले आओ, ज़्यादा क्या होगा। तो ठीक है, आई गेस इस नोट पे हम इसको एंड कर सकते हैं। हमने इस वोक्सवैगन पोलो 1.2 लोलो जो है इन्होंने अपनी गाड़ी का नाम रखा है, ये है वोक्सवैगन पोलो पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन के साथ। हमने गाड़ी के प्रोस देखे, कॉन्स देखे, 5 इयर्स का ओनरशिप एक्सपीरियंस पूरा सुना। अगर आपको ये गाड़ी के लिए जाना है तो इनकी राय के अनुसार तो बिल्कुल डेफिनेटली आप जा सकते हो, वैल्यू फॉर मनी सब कुछ गाड़ी में बहुत ही बढ़िया। अब तो मैंने सुना जो इसका TFSI करके जो इसका इंजन है उसमें माइलेज भी बहुत अच्छी आ रही है। मैंने भी सुना था, ट्राई नहीं किया, बट मैंने सुना है कि कुछ 20 के आसपास दे रही है। तो मतलब आप देख सकते हो नई गाड़ी, थोड़ी ऑब्वियसली बजट बढ़ जाएगा, 6 में तो नहीं मिलेगी, 7 में मिल जाएगी, बट एक बार आप उसके लिए देख सकते हो। मतलब फीचर्स भी तो दे रहे हैं, अलॉय स्टार DRL वगैरह सभी मिल रही है, वो भी है। सो तो इस नोट पे हम इसको खत्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको भी अपनी गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू करना है तो इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी है, उस पर अपने हमारे को ईमेल भेजना, हम आपको रिप्लाई करेंगे, एंड इफ़ वी कैन मीट तो डेफिनेटली गाड़ी का रिव्यू करते हैं। तो विद दैट सेड, बाय गाइस, टेक केयर।